विपक्षी पार्टियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। अभी हम पटना के डाकबंगला चौराहा पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं पटना का डाकबंगला चौराहा पर, जहां पे बंद का असर जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से अमूमन जो है ये जब भारत बंद या बिहार बंद होता है तो पटना का ये डाकबंगला चौराहा है, कहा जाता है कि पटना का ये हर्ट है। और जब भी बिहार बंद या भारत बंद की स्थिति होती है तो इस डाकबंगला चौराहा पर जो है प्रदर्शनकारी जो है वो पटना के चारों तरफ से यहाँ आते हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन वो करते हैं। लेकिन आज भारत बंद की स्थिति में देखिए जो किस तरह से जो है जो परिचालन है वो सामान्य के दिनों की तरह है। आपको प्रदर्शन एक भी प्रदर्शनकारी जो है वो नज़र नहीं आएंगे आज डाकबंगला चौराहा पे। जिस तरह से कुछ दिनों से जो है अग्निपथ को लेकर जो है लगातार जो है बिहार के कई जिलों में है अगजनी, तोड़फोड़ और सड़कों सरकारी संपत्ति और खास करके रेलवे को जो निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद जो है आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। लेकिन पटना में जो है वो बंद का असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कहे कि पटना में जो बंद का असर है वो बेअसर है। इसको लेकर जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जो है बिहार पुलिस की टीम भी जो है पटना के जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। कड़ी संख्या में जो है बड़ी संख्या में जो है वो पुलिसकर्मी जो है मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह के अगर उपद्रव कर्मी अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे जो है सख्ती से निपटा जाए। और आपको दिखाते हैं कि पटना पुलिस ने जो है इसको लेकर जो है वज्र वाहन का भी जो है वो इंतज़ाम कर रखा है। देखिए किस तरह से जो है यातायात व्यवस्था जो है आम दिनों की भांति जो है वो चल रही है, और जो सुरक्षा है उसके भी करें इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आपको दिखाते हैं पटना के डाकबंगला चौराहा का नज़ारा, जहाँ की आम दिन की तरह जो है आज जो है लोग अपने कामों में जो है जा रहे हैं। हालांकि जब भी भारत बंद या बिहार बंद होता है तो ये डाकबंगला चौराहा जो है प्रदर्शनकारियों की गिरफ्त में होता है और यहाँ जो यातायात व्यवस्था होती है वो बिल्कुल थम सी जाती है, लेकिन आज जो है बिल्कुल नहीं। और देखिए किस तरह से पुलिस के जवान जो है मुस्तैद हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति बनती है तो उसे निपटा जाए। आपको दिखाते हैं कि पटना पुलिस ने खास करके जो है जो उपद्रवी हैं उसे निपटने के लिए जो है वज्र वाहन और दंगा नियंत्रण वाहन का भी जो है वो इस्तेमाल कर रखा है। और यहाँ पर डाकबंगला चौराहा पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं कि दंगा को नियंत्रण करने के लिए जो है दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो लगे हुए हैं, वज्र वाहन लगा हुआ है, आंसू गैस चलाने के लेकर जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह के अगर उपद्रव की स्थिति बनती है तो उसे निपटा जाए। हालांकि जो बंद समर्थक हैं वो नज़र नहीं आ रहे। देखिए आपको दिखाते हैं कि दंगा नियंत्रण वाहन है वो भी जो है पटना के डाकबंगला चौराहा पर मौजूद हैं, ताकि अगर किसी तरह का उपद्रव की स्थिति बनती है तो उसे भी जो है सख्ती से जो है वो निपटा जाए। और दिखाते हैं लगातार, और वज्र वाहन जो है वो भी जो है यहाँ पे मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं वज्र वाहन, जहाँ जिसे जो है पुलिसकर्मी जो है पटना के डाकबंगला चौराहा पर लेकर मौजूद हैं, ताकि अगर किसी तरह के और इस वाहन से जो है वो पानी जो है पानी की फोर्स के द्वारा भी जो है वो वाटर कैनन के इस्तेमाल करने से जो है उसकी भी व्यवस्था जो है पटना पुलिस ने यहाँ पर कर रखी है, ताकि किसी भी तरह के उपद्रव अगर यहाँ आते हैं तो उनसे जो है सख्ती से निपटा जा सके। पटना से कैमरा राजेश के साथ शक्ति।